खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां चार धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड शासन द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की गई निर्धारित समिति संख्या का ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा अपनी 5 सूत्री मांग की है और इन मांगों में प्रमुख रूप से सवारी गाड़ियों की चार धाम यात्रा में अनुमति दिया जाना समेत अन्य मांगों के साथ शासन स्तर पर ट्रांसपोर्ट पर्यटन उद्योग आयोग का गठन किए जाने की मांग को प्रमुख से दोहराया गया है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, चार धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ट्रेवल व्यवसायी हों, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हों और चाहे होटल एसोसिएशन के तमाम साथी आज यहाँ पर चार धाम यात्रा पर जो अभी शासन द्वारा तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं, एक तो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो सीमित दायरा यात्रियों का कहा गया है कि सीमित दायरे में यात्रा करेंगे, एक तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो जो सीमित दायरे की जो बात की गई है उसको तत्काल प्रभाव से जो है उन्हें विचार करे, उसे वापस ले शासन। और दूसरी बात, ये जो हेलीकॉप्टर में जो कालाबाजारी हो रही है हेलीकॉप्टर यात्रा में, इसका एकीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से रेल यात्रा होती है कि जिसका टिकट उसकी यात्रा, और उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से, अभी तो चारधाम यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है तो आने वाले दिनों में हमारा राज्य बदनाम होता है, हमारा शहर बदनाम होता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो है उसके लिए एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाए। तीसरी बात हमारी यह है कि जिन गाड़ियों की आयु समाप्त हो चुकी है उनका रूट तय किया जाए कि कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा चढ़ेगी, कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा नहीं चढ़ेगी।